भारी आदरणीय विनय श्रेष्ठ बुद्धि जी आप सबके बीच में मुखातिब है। मैं पर्चे और कुछ कराऊंगा। हमारे बीच में इस करौली धौलपुर लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती इंदु देवी जी मौजूद है। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विदेश के महामंत्री और भंडार से विधायक माननीय जितेंद्र गोठवाल जी हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर मनोज रजौरिया जी हैं। पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी। हमारे बीच में खिलाड़ी लाल बैरवा जी पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं। माननीय मानसिंह गुर्जर जी लोकसभा के समर में गंगापुर के पूर्व विधायक मौजूद हैं। मैं आदरणीय विनय जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप तो इन पत्रकार बंधुओं को काफी पढ़ें। आज यहाँ पर धौलपुर में विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री की जो महाविजय संकल्प सभा आने वाले 11 अप्रैल को करौली में होने वाली है, उसकी पूर्व तैयारी के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और पत्रकारों को मिलकर इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में अब तक 3 सभाएं कर चुके हैं और 11 तारीख को वो करौली में आएंगे और करौली की जनता के साथ संवाद स्थापित करके सबका साथ सबका विकास के लिए फिर एक बार कमल के चिन्ह का बटन दबाने के लिए अपील करेंगे। करौली धौलपुर क्षेत्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जिन महानुभावों के साथ मैं बैठा हूँ, एक दृष्टि से इनकी उपस्थिति सबका साथ सबका विकास की परिचायक है। मेरे बाई ओर हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम किया है और मेरे दाहिने हाथ को इस प्रदेश में और आगे ले जाने का संकल्प की हुई हमारी बहन इंदु देवी जी बैठी हुई है और साथ में बैठे सारे हमारे नेतागण, चाहे प्रदेश के महामंत्री हो, यहाँ के पूर्व विधायक पूर्व सांसद हो या वर्तमान विधायक महोदय हो, इन सारों ने इस प्रदेश में विकास कैसे चरितार्थ किया जा सकता है इसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्हें मुझे लगता नहीं कि मैंने विस्तार से बताना चाहिए, मगर चंबल पर एक पुल की बात जो बरसों तक उपेक्षित रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसका फॉलोअप किया तो वो जमीन पर उतर आई। 2 मेडिकल कॉलेजेस आए, नर्सिंग कॉलेज बना, साथ ही साथ यहाँ के विकास के लिए जिसकी एक अहम भूमिका रहेगी ऐसी एक रेल पटरी का विस्तारीकरण का काम भी बहुत तीव्र गति से शुरू हुआ है और अब कुछ ही दिनों में श्री गंगापुर से यहाँ पर करौली धौलपुर तक ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। तो एक दृष्टि से शिक्षा का विषय हो, संरचना का विषय हो, सामाजिक विषय हो, यहाँ पर मुद्रा के जो लोन का वितरण हुआ है उसमें हमारे जाटव समाज के कई सारे नवयुवकों ने उसका भी लाभ लिया है, कई सारे लोगों ने हमारी स्वनिधि योजना का लाभ लिया है, कई सारे किसानों ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत लाभ लिया है। तो मैं मानता हूं कि एक जनाधार हमारे लिए हमारे सरकार के काम की गुणवत्ता के कारण बन ही गया है। अभी इस जनाधार को वोटिंग मशीन के माध्यम से भाजपा की झोली में डालना ये एक महत्वपूर्ण काम शेष है। आने वाले 8-10 दिनों में हम घर घर जाकर सभी लोगों को मिलकर जनादेश की प्रार्थना करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि श्रीमती इंदु देवी जाटव हमारी भविष्य की सांसद बनकर संसद के नए भवन में प्रविष्ट होगी, हमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं। सहस्त्रबुद्धे जी, बीजेपी क्या पिछला परिणाम दोहरा पाएगी? निश्चित रूप में दोहरा पाएगी। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आत्मविश्वास भरा ऐलान किया है कि 100% भाजपा के हैट्रिक हम करें। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रभारी जन आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कितने लोग शामिल हो रहे हैं उनके प्रभारी में? हमारे स्थानीय नेता उसकी आंकड़ेवारी देंगे, मगर मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और ये शामिल होना एक दृष्टि से एक कार्यक्रम होता है, मगर लोग अपने दिल से और मन से भाजपा में शामिल हो ही चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की महायात्रा पूरे देश में निकल रही है, हर कोई नागरिक इसका यात्री बना।
विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान में क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने आरोप लगाए थे, अब उनका परिवार बीजेपी में पुनः शामिल हो रहा है, क्या कारण है कि वो पुनः बीजेपी में आ रहे हैं? क्या ईडी के कारण हो रहे हैं कि राजकोषीय हो रही है? ऐसा है, मैं मानता हूं कि मन से जो पार्टी के साथ जुड़ता है वो अपने मन से जुड़ता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती का विषय नहीं आता। और मैं मानता हूं कि समाज के सारे तबके जब आ रहे हैं तब पहले